दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम अब प्रशस्त हो गया है। हरियाणा के अंदर सरकार बनने का मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त हो गया है। हालांकि सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया था 8 अक्टूबर को ही। 8 अक्टूबर को जब मतगणना हुई और मतगणना के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला तो तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जब मैंडेट मिला तो उसी समय एक बात और तय हो गई थी कि नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो विधानसभा का चुनाव लड़ा वो नायब सिंह सैनी के चेहरे पर लड़ा। आपको ध्यान होगा कि पंचकुला के अंदर जो रैली थी या कार्यकर्ता सम्मेलन था भारतीय जनता पार्टी का, देश के गृह मंत्री अमित शाह उस कार्यकर्ता सम्मेलन में आए थे और वहाँ पर अमित शाह ने डिक्लेयर कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। नायब सिंह सैनी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरी। लाडवा से नायब सिंह सैनी खुद कैंडिडेट थे और हरियाणा की तमाम 89 सीटों पर नायब सिंह सैनी और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपना प्रचार किया, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के बीच में और जनता के बीच में संदेश अग्रेषित हुआ और उससे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिलने का रास्ता साफ हुआ। हालांकि हमारे सहित तमाम जितने भी मीडिया संस्थान थे या फिर जितने भी एग्जिट पोल पर काम करने वाले या सर्वे करने वाले लोग, सभी ने कहा था कि हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनेगी। कई बार हो भी जाता है, जो अनुमान लगाए जाते हैं, जो कयास लगाए जाते हैं, हमेशा सटीक बैठेंगे ऐसा कोई तय नहीं है और ऐसा कोई मानक भी नहीं है। अंदाज होते हैं, जो कयास लगाए जाते हैं वो कभी ठीक बैठते हैं और कभी वो सही नहीं भी होते। हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से नायब सिंह सैनी का आत्मविश्वास था, आपको ध्यान होगा कि जब एग्जिट पोल आ रहे थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने और इसके साथ साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा था कि ये जो एग्जिट पोल हैं ये ध्वस्त होंगे। खैर, ये सब पुरानी बातें हो गई। बात है कि जब नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री चुना जाना था, यानी कि जो आज उनका वो चयन हुआ, एक तरह से अगर कहें तो वो एक फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि नायब सिंह सैनी मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन 8 तारीख से लेकर के और आज 16 तारीख तक, जब 8 तारीख को मतगणना हुई और 16 तारीख, ध्यान होगा आपको कि पहले 8 तारीख के बाद कहा गया था कि 12 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, फिर कहा गया 15 को होगा और 15 से 17 की डेट आई। तो इस दौरान भी कई मीडिया संस्थानों ने, कई जो सोशल मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल सहित कई अखबारों ने भी लिखा कि क्या हरियाणा के अंदर कोई चेंज हो सकता है। अमित शाह को जब हरियाणा भेजा जा रहा था, हरियाणा भेजा गया केंद्रीय पर्यवेक्षक बना करके, क्योंकि जब अमित भाई शाह को भेजा जाता है तो समझा जाता है कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन इस सब के बावजूद भी हमने अपने कई वीडियोस में आपसे कहा था कि मात्र ये एक फॉर्मेलिटी है और इसको जो, क्योंकि कागजी कार्रवाई कह सकते हैं इसको, इसको एक प्रोटोकॉल कह सकते हैं कि विधायक दल की बैठक होती है, विधायक दल की बैठक के अंदर केंद्रीय पर्यवेक्षक आते हैं, विधायक नाम रखते हैं और वो नेता चुना जाता है। नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री बना जाना यूं भी तय था कि जिस प्रकार के मैंने आपको बताया कि तमाम सोशल मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और प्रिंट मीडिया सभी ने कहा था मतदान होने के बाद में 5 अक्टूबर को कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बन सकती है। लेकिन एक तो नायब सिंह सैनी का आत्मविश्वास और दूसरा उससे बढ़कर के नायब सिंह सैनी और उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े छोटे नेताओं की मेहनत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जलवा, इन सबको मिलाकर के देखें तो फिर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तय हुई। नायब सिंह सैनी क्योंकि चेहरा डिक्लेयर थे तो नायब सिंह सैनी जब जब जहां जहां कई सभाओं में जाते थे या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन सभी प्रत्याशियों ने नायब सिंह सैनी को बतौर मुख्यमंत्री प्रेजेंट करके ही वोट मांगे। हालांकि मैं आपको बता रहा था कि कई मीडिया वेबसाइट्स पर कई जगह चला कि क्या हरियाणा में कुछ बदलाव हो सकता है, ये भी कयास थे, एक ये भी अनुमान और अंदाज थे। सबसे बड़ी बात ये चलती थी दोस्तों कि जब 17 अक्टूबर की तारीख तय हुई, 17 अक्टूबर का मतलब भगवान महर्षि वाल्मीकि की जयंती उत्सव, भगवान महर्षि वाल्मीकि के जन्मोत्सव पर जो डिक्लेयर हुआ तो उसके बाद में लोगों ने अपने अलग कयास लगाए। लोगों ने कयास ये लगाए कि क्या इसका मतलब भी है, इसके कोई मायने हैं, क्या चेहरा यहाँ भी बदला जा सकता है।
क्या जिस प्रकार से SC समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने, और दलित समाज में भी खासकर वंचित DSC ने वोटर की वोट किया, क्या उसका भी कोई दूरगामी संदेश हो सकता है? लेकिन इन सब पर आज पूरी तरह से फुल स्टॉप लगाते हुए, यानी कि जैसे नॉन स्टॉप हरियाणा की सरकार चलाने की बात थी, तो सारे कयासों अफवाहों पर फुल स्टॉप लगाते हुए आज नायर सिंह सैनी को नेता चुना गया। अमित भाई शाह जब पहुंचे आज पंचकुला के अंदर, पंचकुला में जा करके उन्होंने एयरपोर्ट पे सबसे पहले नायब सिंह सैनी को बधाई दी। इसके साथ साथ उन्होंने हरियाणा के चारों प्रभारियों को बधाई दी। जो हरियाणा के चारों प्रभारी सतीश पूनिया, धर्मेंद्र प्रधान, इनके साथ साथ विप्लव कुमार देव और सुरेंद्र नागर, इन सभी का नाम कोट करते हुए अमित भाई शाह ने बधाई दी। और इसके साथ साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि मनोहर लाल का ओहरा हरियाणा के अंदर कौन सा रहा, तो उस सब को देखते हुए हालांकि तय एयरपोर्ट पर भी हो गया था कि नायब सिंह सैनी का ही नाम चलेगा। इसके साथ साथ जो पिछले दिनों आपने सुना होगा, देखा होगा, सोशल मीडिया पर कई नाम चलते थे, राव इंद्रजीत सिंह की बात आती थी, तो राव इंद्रजीत सिंह ने खुद अपना सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा, एक्स पर पोस्ट किया, और उन्होंने कहा कि ना मैं बगावती हूँ और ना मेरे कोई तेवर हैं, पार्टी के साथ हैं पूरी तरह से, सभी विधायक पार्टी के साथ हैं। अनिल विज का नाम चलता था, तो अनिल विज के नाम को जब ज़्यादा चला, और अनिल विज ने, क्योंकि अनिल विज ने खुद कहा था दो बार, तो आज सुबह अनिल विज ने खुद ही उस पर भी फुल स्टॉप लगा दिया। अनिल विज ने कहा कि मेरी कोई दावेदार नहीं है, मेरी तो वो दावेदारी है जो पार्टी की जिम्मेदारी मिलेगी, यानी कि पार्टी की जिम्मेदारी वही दावेदारी बन जाएगी। खैर, आज जब विधायक दल की बैठक हुई जिसके अंदर अमित शाह थे, और अमित शाह ने 100 दिन का रोड मैप भी पार्टी के नेताओं को, और जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होने जा रहे हैं, केयरटेकर अभी मुख्यमंत्री हैं और कल से वो फुल फ्लैश मुख्यमंत्री दोबारा हो जाएंगे, उनको एक संदेश भी दिया और 100 दिन का रोड मैप भी दिया। एक आज जो नाम रखा गया नायब सिंह सैनी का, उसके भी मायने हैं। नायब सिंह सैनी का नाम रखा पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, 7 बार के विधायक, हरियाणा का जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल है उनमें जो सबसे सीनियर नेता हैं वो अनिल विज हैं, तो अनिल विज ने नाम रखा उनका नायब सिंह सैनी का। और जो सपोर्ट किया नाम को, वो रहे कृष्ण बेदी। कृष्ण बेदी दलित समाज के बड़े नेता, मनोहर पार्ट 1 की सरकार में वजीर रहे थे। तो मैं आपको जो बता रहा था कि ये भी एक संदेश था आज, नाम रखना और नाम को जो अग्रेषित करना, यानी कि अनिल विज और कृष्ण बेदी द्वारा नायब सिंह सैनी का नाम रखा जाना और फिर उस पर विधायक दल की मोहर लगना और उसमें अमित शाह की मौजूदगी के अंदर, एक संदेश दोस्तों और है। भारतीय जनता पार्टी का संदेश ये है कि जब अमित शाह को भेजा गया, और कल जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, शपथ ग्रहण समारोह को जो मेगा इवेंट बनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे उसके अंदर, NDA के जो तमाम सहयोगी दल हैं उनके तमाम बड़े नेता होंगे, भारतीय जनता पार्टी और NDA के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। 50,000 से ज़्यादा का अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदेश की जनता वहाँ मौजूद रहेगी, यानी कि एक मेगा इवेंट। मैं आपको बता दूँ तो हरियाणा का तो ये ऐसा इवेंट शायद शपथ ग्रहण का आज तक का सबसे बड़ा ये समारोह हो, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है और वहाँ पर संदेश देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक ये कार्यशैली का एक हिस्सा है, कार्यशैली का एक अंग है। हरियाणा के बारे में एक संदेश और है। हरियाणा के अंदर जब से हरियाणा का निर्माण हुआ 1966 से, पहली बार हरियाणा के अंदर किसी भी पार्टी को हैट्रिक बनाने का मौका मिला है, यानी कि लगातार तीसरी बार सरकार बनी वो भारतीय जनता पार्टी की बनी। इससे पहले लगातार 2 बार कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, हरियाणा में BJP की सरकार भी बनी, लेकिन ये जो मेगा इवेंट जिसके लिए हो रहा है, अगर आप माने तो संदेश एक ये है कि जिस प्रकार से गुजरात और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक प्रयोगशाला है, राजनीतिक आप ये कहें तो एक ऐसी केमिस्ट्री जिसमें कि गुजरात और मध्य प्रदेश पूरी तरह भगवा रंग में रंग चुके हैं, तीसरी बार लगातार सरकार बनने के बाद में हरियाणा के बारे में भी यही संदेश है। आज अमित शाह का जो भाषण था, आपने अगर सुना हो तो अमित शाह के भाषण के कई संदेश थे। अमित शाह ने आज जो विधायक दल की बैठक में बोला उसके कई मैसेज थे। अमित शाह ने कहा कि 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को लगभग
2,75,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य के लिए जो राशि जारी की, अनेकों उसके अंदर प्रोजेक्ट थे और सरकार की तरफ से जो वित्तीय सहायताएं होती हैं वो सब मिला करके। अमित शाह का संदेश था कि कांग्रेस पार्टी की जब 10 साल सेंटर और स्टेट के अंदर गवर्नमेंट थी तो उन्होंने मात्र 42,000 करोड़ रुपया दिया और बीजेपी ने 2,75,000 करोड़ रुपये दिया। इनकी ये भी संदेश था एक कि हरियाणा उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और अब फिर सबसे प्रमुख बात वही आ जाती है कि नायब को नायक के तौर में ला करके, यानी कि नायब ही हरियाणा के नायक और एक फिर उससे हरियाणा के साथ में पूरे देश को एक संदेश, दलित और पिछड़ों को एक संदेश कि एससी एसटी और ओबीसी के जो हक हैं वो भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित हैं, ऐसे संदेश भी दिया जाने का, एक तरह से आप कह सकते हैं ये मैसेज है आज का। कल नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। आज उन्होंने अपने संबोधन में विधायक दल की बैठक में कहा कि शपथ लेने से पहले 24,000 युवाओं को जो नौकरी देनी थी, आपको ध्यान होगा कि पूरे चुनाव के दौरान में नौकरी रोको गैंग के नाम से कांग्रेस को प्रचारित किया गया था। हरियाणा के अंदर 24,000 नौकरियां लगनी थी जिनका रिजल्ट तैयार था और आरोप ये था कि कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग और कोर्ट में चली गई थी। तो आज नायब सिंह सैनी ने शपथ ग्रहण से पहले और नेता विधायक दल चुने जाने के बाद एक संदेश और दे दिया। उन्होंने कहा कि पहले 24,000 युवाओं को नौकरी, उनका रिजल्ट जारी होगा, उनके लिए जो नियुक्ति पत्र जारी होने शुरू हो जाएंगे तब वो शपथ लेंगे। इसका भी एक बड़ा संदेश है। आपको ध्यान होगा कि चुनाव जो संकल्प पत्र था भारतीय जनता पार्टी का, चुनाव घोषणा पत्र जिसे भाजपा संकल्प पत्र कहती है, उसके अंदर 2,00,000 नौकरियों का वायदा था और मुख्यमंत्री पद की ओथ लेने से पहले नायब सिंह सैनी ने कह दिया कि उस वायदे को पूरा करेंगे। ये तमाम वो बातें हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर हैट्रिक बनाने की तरफ अग्रसर कर दिया था और उसका परिणाम भी ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बन गई। तीसरी सरकार का कार्यकाल कैसा रहेगा, नायब सिंह डिलीवरी कैसी दे पाएंगे, क्योंकि जो आगाज है, आगाज तो कुछ ऐसा है कि हरियाणा के अंदर ये जो अगला जो 15 साल वाला यानी कि है हैट्रिक वाला जो समय है, भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देना चाहेगी कि स्वर्णिम युग बनाने की शुरुआत कर दी है। अगर आप इसको अग्रे दूसरी तरफ देखें डिलीवरी की बात में, तो जब से हरियाणा का चुनाव परिणाम आए, जो नए विधायक बने, हालांकि अभी किसी विधायक की ओथ भी नहीं हुई, लेकिन उस सबके बावजूद जिस प्रकार से विधायक एक्शन मोड में दिखाई दिए उसका भी एक संदेश है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या हरियाणा के अंदर जो अब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जो कल विधिवत रूप से अपना कार्यभार संभाल लेगी, ये हरियाणा के लिए कौन से नए संदेश देगी, हरियाणा की सरजमी से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कौन सा संदेश देना चाहेगी, दूसरा प्रमुख सवाल ये है। और तीसरा, क्या नायब सिंह सैनी जो अल्पकाल के मुख्यमंत्री पिछले दिनों रहे, यानी कि मनोहर लाल जी के बाद जब उनकी कुर्सी नायब सिंह सैनी को मिली उसमें, और अब जब नायब सिंह पूर्णकालिक मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए हैं, उनकी कार्यशैली कैसी रहेगी, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।